आज की बात स्टार्ट करते हैं मौसम द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित लेकर जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले आप थ्योरी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर क्वेश्चन देखेंगे हॉस्टल वार्डन क्लासेस, तो आपके 3 नंबर यानी कि 3 नंबर पक्का है। अगर ये टॉप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर आपको कहीं नहीं जीतने वाले, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें चाहे हॉस्टल वार्डन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का टॉप मेगा सीरीज है, एक बार समझ के जाइएगा। अगर आप किसी भी तैयारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज के जरिए आपके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं रुपेश और आप एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो को। हाँ जी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज से प्रारंभ किया जा रहा है कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू, कल की जो पार्ट टू में आपका रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से, वहां से अगर आप टॉप एग्जाम पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा अनुभव है आप सभी के लिए, मैं कहना चाहूंगा सीजी व्यापार में 7 वर्षों का अनुभव है, तो इसलिए यह टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है 3 प्रकार से होते हैं, और कौन कौन से होते हैं तो याद रखना, सॉफ्टवेयर आपको पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं बात करूँ, यहाँ पर पहला है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि पहला सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक समझिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से 2 प्रकार से आपको पहला होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब एग्जाम में डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल है या नहीं है, या इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं, और यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी लेता हूँ। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी के सभी लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अगर जिसको भी मालूम है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखेंगे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है कि नहीं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और मेरा जो वीडियो है आप उसको HD कर लीजिएगा क्वालिटी, यानी कि मेगा पिक्सल, जैसे 144 MB, 240 MB ऐसा रहता है, उसको आप उसको क्वालिटी को आप लोग हाई कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। कंप्यूटर पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आ जाएगा विंडोज। क्या आ जाएगा? विंडोज, पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, लेकिन मिक्सिंग आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, विंडोज। सेकंड में बात करूँ यूनिक्स का, सेकंड कौन सा है, यूनिक्स का। इसको नोट करते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका PDF पाने के लिए आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मेरे को इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर इसका PDF चाहिए करके, इसका PDF आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसे शामिल किया गया, ये आप लोग याद कीजिएगा, विंडोज यूनिक्स लिनक्स, लिनक्स। और यहाँ पर आपको बताऊंगी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सीजी ग्राफों के परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कौन सा एप्लीकेशन है, या इसमें कौन सा शामिल है, या कौन सा नहीं है। मैं आप सभी के लिए 15 से 20 मिनट का समय लूंगा, वीडियो को अंत तक देख के जाना। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है, अगर मेरी शब्दों में आप लोग समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब मैं बात करूँ चौथे नंबर की, तो चौथा है आपका लाइनेक्स हो गया, मैकओएस। कौन सा है? मैक ओएस। ये अभी हाल ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और ये जो है लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये चारों ऑप्शन इसको तो अच्छे से रट लीजिएगा दिमाग में, इसको बोल के पी जाइएगा जितने भी टॉपिक में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो, अगर एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है तो छूटेगा नहीं। ओके, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, एक और है आप यहाँ पर नोट करेंगे, एक नोट कर लीजिएगा, है ना, मैसिंटोस। क्या आ जाएगा? मैसिंटोस, मैसिंटोस। ठीक है,
एक बार याद कर लीजिएगा, मैसिन टास्क, जैसे मैसिन टास्क, ओके। ये और अब लैंग्वेज, ये है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको याद रखना, पहला आपको कंपाइलर, क्या कंपाइलर, कंपाइलर, इसको नोट करेंगे। अब एग्जाम में आता है कंपाइलर होता क्या है, असेंबलर होता क्या, इंटरप्रेटर होता क्या, पूरा बताऊंगा जी। वीडियो को अंत तक देख के बस जाना है और इसको अच्छे से समझ के जाना है। कंपाइलर के बाद आपका जाएगा असेंबलर, असेंबलर, ठीक। जो भी बता रहा हूँ पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। तीसरा नंबर है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता क्या है ये भी बताऊंगा, इंटरप्रेटर, ठीक। ये क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करें कंपाइलर और असेंबलर के बारे में। तो कंपाइलर का है हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जैसे उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना आपका कंपाइलर कहलाता है। उसी प्रकार असेंबलर है निम्न स्तर के भाषा को या लोकल एरिया के भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना असेंबलर कहलाता है। इंटरप्रेटर क्या होगा जी, तो इंटरप्रेटर है उच्च स्तर के भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, उनको मशीनी भाषा और परिवर्तित करना, मशीनी भाषा में परिवर्तित और संदर्भित करना आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, तो याद रखना आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि असेंबलर एक निम्न स्तर का है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, प्रोसेसर है ना। तो जितना भी टॉपिक करा रहा हूँ बेटा उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो एक बार फिर से आप देख पा रहे होंगे, वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद है स्प्रेडशीट डाटा, स्प्रेड शीट, स्प्रेड डाटा, ठीक है। स्प्रेडशीट डाटा क्या होगा, स्प्रेडशीट डाटा, डाटाबेस। उसके बाद आ जाएगा आपका डाटाबेस, याद रखना डाटाबेस। इसके बाद कौन सा जी आपका, इसको अच्छे से नोट करते चलेंगे, डाटाबेस के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, अकाउंटिंग, ठीक, अकाउंटिंग, नोट करते चलेंगे स्टूडेंट, अकाउंटिंग। पेज मेकर, पेज मेकर, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है, गूगल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि तो आपका ब्राउजर। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोम कौन सा था, आप फट से मार लेंगे अरे ये तो एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन नहीं, क्रोम एक ब्राउजर है, ठीक। इसके बाद आ जाएगा कोरल ड्रा, कोरल ड्रा, ठीक। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सभी के सभी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, कितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखेंगे, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको इधर ला लेता हूँ, अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, है ना, आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। चले आप देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा एंटी वायरस, एंटी वायरस, ठीक, क्लियर समझ में आया, एंटी वायरस। बैकअप, सेकंड नंबर है बैकअप, बैकअप याद रखना, क्या आ जाएगा बैकअप प्रोग्राम, ठीक है, बैकअप प्रोग्राम, क्लियर आ रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्लियर आ रहा है बैकअप प्रोग्राम, ओके। बैकअप प्रोग्राम आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से फटाफट, बैकअप प्रोग्राम को क्लियर आ रहा है जी, बिल्कुल जी। अब देखेंगे फाइल मैनेजर, तीसरा नंबर पर आपका जाएगा फाइल मैनेजर, ठीक, ये आपका हो जाएगा फाइल मैनेजर, मैनेजर, ठीक। एक बार फिर से, सॉफ्टवेयर आपका तीन प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजर, उसी प्रकार एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा, तो ये सभी सारे के सीधे चीजें याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज, तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक, ऑपरेटिंग में विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैकओएस, मैकिंटोश, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, तो जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। ठीक है, पहले मैं इसको अपने आप को इधर ला लेता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं यहाँ अपने आप को ला लिया हूँ। ओके, चलिए अब देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या शामिल है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस याद रखेंगे, एम एस डॉस, विंडोज, विंडोज, ठीक है, एम एस डॉस, विंडोज, है ना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट करते चलेंगे, एम एस डॉस, विंडोज, उसके बाद आ जाएगा यूनिस्क, यू निस्क, लाइनेक्स, लाइनेक्स, ठीक, यूनिस्क, लाइनेक्स, इधर और है आपका एंड्रॉइड, क्या आ जाएगा, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, ठीक, एंड्रॉइड, इसके बाद आपका आ जाएगा, और मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका एप्पल का मैक ओएस अभी पूछा गया था, AWP, एप्पल का MS, मैक ओएस, ठीक है, एप्पल का मैक ओएस, गूगल, गूगल, ठीक है, गूगल प्रो, ये आता है, लेकिन अगर ब्राउजर पूछेगा तब बताना ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल क्रोम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए, ये किसके लाएगा, मोबाइल फोन के लिए, ठीक है, जबकि विंडोज, विंडोज 7, है ना, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 10, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जबकि यहाँ पर आप याद रखना एंड्रॉइड और लाइनेक्स, ये दोनों चीजें आपके, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो माउस है, ये माउस आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, ये क्रोम, ये जो क्रोम है आपका, ये ब्राउजर है, ब्राउजर एग्जाम में पूछा जाता है, बस इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ग्रुप ईयर के बारे में, तो कुछ देखेंगे ग्रुप वेयर होता क्या है, तो एक बार यहाँ तो देखेंगे, है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ग्रुप वेयर के बारे में बात करते हैं, ग्रुप वेयर होता क्या है, इसको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ग्रुप वेयर। ठीक है, तो ग्रुप वेयर वह है जो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे समान उद्देश्य व्यक्तियों की सुविधा में ध्यान रखकर विकसित किया जाता है। ठीक है, ग्रुप वेयर के एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ग्रुप वेयर में जो एग्जाम्पल है, वो पहला हम बात करते हैं ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन चैट, ठीक है, ऑनलाइन चैट, इसके बाद बात करें ईमेल, ठीक, ईमेल, ठीक है, ईमेल, उसके बाद बात करें न्यूज ग्रुप, ठीक, क्या जाएगा, न्यूज ग्रुप, ठीक, न्यूज ग्रुप, इसके बाद मैं बात करूं, ये सभी के सभी ग्रुप वेयर है जो आपके वाइस मेल, वाइस मेल, ठीक, ये आपके वाइस मेल है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, वो ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा। तब अब टोपोलॉजी के बारे में बात करें, तो टोपोलॉजी में आप याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है टोपोलॉजी, ठीक, टोपोलॉजी या फिर कंप्यूटर के टॉपिक से है, तो टोपोलॉजी में आपका आ जाएगा, टोपोलॉजी में क्या क्या आएगा जी, टोपोलॉजी में आ जाएगा आपका स्टार, स्टार, रिंग, बस, स्टार, रिंग, बस,
मेस, एक और है याद नहीं आ रहा, ठीक है, स्टार, रिंग, बस, मेस, इतना याद आ रहा है तो इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है टोपोलॉजी, है ना, स्टार हो गया, रिंग, बस, मेस, एक और चीज है, पांच है, याद नहीं आ रहा, पांचवा नंबर, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कल हम देखेंगे, कल के एक क्लासेस में हम देखेंगे पार्ट टू में, आपका पार्ट टू में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब कितना, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे में बताऊंगा, वहां से आपका अगर ट्री आया तो 3 से 4 नंबर आपको क्लियर पक्का है। तो वीडियो कैसा लगा है ऊपर कमेंट करके बताएंगे, यार ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, गुड।